फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन एयरफोर्स चीफ द्वारा ये चीज कही गई है कि इंडियन एयरफोर्स अपनी सर्विस से IL-76 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट और AN-32 मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के प्लान पर काम कर रही है। ये चीज हम जानते हैं कि AN-32 के रिप्लेसमेंट के तौर पर इंडियन एयरफोर्स पहले ही RFI को रिलीज कर चुकी है, जो कि December 2022 में रिलीज करी गई थी, जिसके अंतर्गत करीबन 60-80 के अराउंड मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपनी रिक्वायरमेंट रखी थी, जहां पर 26 टन क्लास कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म्स को इंडियन एयरफोर्स द्वारा देखा जा रहा है। तो यहां पर कई कंटेंडर थे, जिसमें लॉकहीड मार्टिन का C-130, J-30 सुपर हरक्यूलीज भी है, एम्ब्रेयर का C-390 है और एयरबस का A-400M है। तो एक तरीके से यहाँ पर जो लिफ्टिंग कैपेसिटी मांगी गई है इंडियन एयरफोर्स द्वारा, ये ऑलमोस्ट 3 गुनी है AN-32 के कंपैरिजन में। वहीं पर जो C-295 एयरक्राफ्ट लिए जा रहे हैं, ये हमारे एवरो के रिप्लेसमेंट के तौर पर लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट में सबसे ज्यादा सटीक फिट हो रहा है, ये एम्ब्रेयर का C-390 है, जिसको लेकर एम्ब्रेयर इंडिया में इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है और कॉस्ट के हिसाब से भी सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस आपको यहीं पर मिलेगी। वहीं पर अगर सबसे कैपेबल की बात करेंगे तो ये एयरबस का A-400M है, जो कि तय की गई रिक्वायरमेंट को भी क्रॉस करता है, जहां पर टोटल पेलोड कैपेसिटी 37 टन के अप्रोक्स आती है। साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा इस कैटेगरी में एक्सपेंसिव भी है और उतना ही कैपेबल भी है। बाकी एक एयरबस C-295 को हम इंडिया में मैन्युफैक्चर ही कर रहे हैं, तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि एयरबस द्वारा इसको भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑफर किया जाए। खैर, अभी इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं है, तो कमेंट करना उचित नहीं रहेगा। हमारी सर्विस में जो AN-32s इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये 40 इयर्स के अप्रोक्स पहले ही सर्विस दे चुके हैं, तो इनके एयर फ्रेम में ज्यादा लाइफ बची नहीं है। हमारा जो खुद का MTA प्रोग्राम था, जिसके अंतर्गत हमें एयरक्राफ्ट को स्क्रैच से बनाने वाले थे रशिया के साथ मिलकर, वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा एयरफोर्स को भुगतना पड़ा और AN-32s को अपग्रेड करके एयरफोर्स द्वारा अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सिमिलर केस आपको IL-76 के साथ भी दिखेगा। वहां पर परेशानी बस ये है, उनका भी एयरफ्रेम ऑलमोस्ट 40 इयर्स की सर्विस दे रहा है, पर वहां पर कोई भी अपग्रेड नहीं हुए हैं। और अब आपको ये एयरक्राफ्ट रेयरली फ्लाई करता हुआ दिखाई देगा, कुछ ही एयरफ्रेम है जो फ्लाई कर रहे हैं। और अगर हम एयरफोर्स के इंटेंट को भी देखें, तो ऐसा लगता नहीं है कि एयरफोर्स जरा भी इंटरेस्ट शोकेस कर रही है इन प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने में। बीच में शोकेस किया गया था, पर वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया और अब ऐसा लगता है कि इनको एयरफोर्स द्वारा डायरेक्टली रिप्लेस किया जाएगा। तो जब AN-32 के रिप्लेसमेंट की बात आती है, तो वहाँ पर हम कैटेगरी शिफ्ट कर रहे हैं। जिन एयरक्राफ्ट को हम देख रहे हैं, उनकी लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 3 गुना है AN-32 की, पर यहाँ पर जब हम IL-76 के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखते हैं एक हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट को, तो ज़्यादा ऑप्शन हमें नज़र नहीं आते हैं। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। बाकी C-17 ग्लोब मास्टर की हम स्टोरी जानते हैं, हमारे द्वारा कोई डिसीजन ही नहीं लिया गया, जिसकी वजह से अमेरिका ने C-17 की प्रोडक्शन लाइन रोक दी और हम ऑर्डर्स दे ही नहीं पाए, वरना C-17 ग्लोब मास्टर से अच्छा IL-76 का कोई और रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। ले देकर IL-476 या फिर IL-76 MD-90A ही एक ऑप्शन नजर आता है, जहाँ पर परफॉर्मेंस आपको IL-76 से थोड़ी बेटर मिल जाती है। मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी C-17 ग्लोब मास्टर 3 जैसी तो नहीं है, पर 60 टन के अराउंड की है, जो कि नेक्स्ट बेस्ट थिंग है। बाकी जो फ्यूसलाज है, उसकी भी विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ऑलमोस्ट हर तरीके का कार्गो यहाँ पर फिट हो जाता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर जो कि C-17 कैरी करने में सक्षम होगा। बाकी यहाँ पर एक ट्विस्ट भी हो सकता है कि कैपेसिटी के ऊपर जाने के बजाय या बराबर रखने के बजाय थोड़ा सा नीचे आया जाए, यानी कि जिस तरीके से AN-32 के रिप्लेसमेंट के तौर पर 3 गुना ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी के साथ रिक्वायरमेंट को रखा गया है, हो सकता है IL-76 के रिप्लेसमेंट के तौर पर पेलोड कैपेसिटी को लेकर थोड़ी ढील दी जाए, जिसके अंतर्गत एयरबस A-400M भी कम्पीट कर पाए, जो कि 37 टन के अराउंड पेलोड कैरी करने में सक्षम है IL-76 MD के 48 टन के कंपैरिजन में। तो IL-76 MD-90A में 10 टन कैपेसिटी बढ़ रही है और एयरबस A-400M के साथ ये 10 टन घट रही है। बाकी प्राइस वाइज भी आपको IL-76 चीपर पड़ेगा। वहीं पर अगर ज़्यादा क्रिएटिव होना है, तो हम यहाँ पर USAF को ज्वाइन कर सकते हैं इनके NGAL प्रोग्राम में, जहाँ पर NGAL का फुल फॉर्म है नेक्स्ट जेन एयरलिफ्टर।
तो 2030 तक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाने का प्लान है जो कि सी सेंट्रिक ग्लो मास्टर को रिप्लेस करेंगे या फिर उनके पैरेलल में फ्लाई करेंगे। बाकी अगर एयरफोर्स के पास इतना समय है तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। बाकी IL-76 की हालत को देखकर लगता तो नहीं है कि हमारे पास 6 साल और समय है, तो डेफिनेटली हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें पूरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। तो IL-76 को हम पूरी तरीके से रिटायर करने के बजाय कम से कम एक एयरफ्रेम को जेट इंजन के टेस्ट बेड के तौर पर रख सकते हैं, जैसा कि रशिया द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और हमें बार बार अपने कावेरी इंजन को टेस्ट कराने के लिए रशिया ले जाना पड़ता है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि एयरफ्रेम हमारे पास जो अवेलेबल हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, पर टेस्ट बेड के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ्लाई नहीं करना पड़ता है। जब रिक्वायरमेंट होगी हवा में इंजन को टेस्ट करने की तभी फ्लाई करना है। तो ये चीज़ पॉसिबल है कि एयरफ्रेम पर थोड़ा काम करके उसकी सर्विस लाइफ बढ़ाकर इंजन टेस्ट बेड के तौर पर उसे डेवलप किया जा सकता है, बट अगेन ये देखने वाली बात होगी क्योंकि IL-76 के मामले में चीज़ें कन्फ्यूजिंग ही नज़र आ रही हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।